हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़ रिएक्शन वीडियोस में। यहाँ पर हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं निम्रा अहमद के एक वीडियो का, जिसमें उन्होंने भारत के अभी हाल ही में जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस पर वो पाकिस्तानियों की राय लेंगी और फिर हम लोग उस पर रिएक्शन देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है किक बटोस्की, लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी 2023 की, जब इंडिया का रिपब्लिक डे था। मुख्तलिफ कंट्रीज की बात की जाए तो मुख्तलिफ कंट्रीज ने इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से रिपब्लिक डे पर विश किया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी इंडिया में ही मौजूद थे। और अगर हम स्पेशली बात करें इसराइल की, तो इसराइल ने स्पेशल हिंदी में इंडिया को विश किया है। इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताने वाले हैं कि आज पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया से इनको विशेज आ रही है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से भी, और स्पेशल हिंदी सीखी जा रही है इंडिया को विश करने के लिए। जानेंगे इस बारे में लोग क्या राय रखते हैं मेरे साथ में। एक्चुअली इसराइल और इंडिया जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के शुरू से ही मुखालिफ रहे हैं। जिस तरह से अभी इंडिया की एक मूवी रिलीज हुई है मिशन मजनू। हाँ, तू तो भाई फिल्मों को देखकर अपने सारे प्रेडिक्शन बना ले। तो बहुत बड़ा तेरा देश है ना पाकिस्तान, वो विश्व में इतना बड़ा है कि उसके खिलाफ लोग साजिशें करते फिरेंगे। और कोई काम तो है नहीं देशों को, अपने पर तो ध्यान देना ही नहीं लोगों को कि भाई हमें अपने देश की डेवलपमेंट करनी है। तुम्हारे जैसे 2% के देश के पीछे भागेगा कोई देश? कभी सोचा भी है? बोलते क्या हो बेवकूफ़ो, भिखारी हुआ पड़ा है। लोग इनके खिलाफ चलेंगे, मोर्चा खोलने, साजिशें रचेंगे। अबे साजिश भी कम से कम अमीर देशों के खिलाफ रचता है इंसान। भिखारी हो चुके हो, आटे आटे के लिए तरस रहे हो और बात कर रहे हो एक पिक्चर देख लिए उससे ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि लोगों की सोच क्या है। उसमें भी यही दिखाया गया कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर बन रहा था तो इसराइल जो है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, तो इंडिया ने उसको एक न्यूज़ दी कि नहीं, उनका ठिकाना क्वेटा में नहीं है, वो जो एटमी मिसाइल बना रहे हैं वो हमारी सरहद के साथ बना रहे हैं, तो आप अटैक ना करें। तो अटैक उस वक्त नहीं किया था, उसके बाद उन्होंने उसके बनाया कि इंडिया का एक एजेंट आया, उसने आके यहाँ मिशन किया और मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस चला गया। जो उनकी ये साइकी है कि जो पाकिस्तान है वो हमारे इक्वल नहीं आ सकता, पाकिस्तान शुरू से ही हमसे नीचे है। शुरू से ही उन्होंने 1948 में भी उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारा इंडिया ने हमला किया तुम लोगों पर 1948 में। यही बात है ना, ज्ञान का इतना अभाव है तुम्हारे अंदर, जाहिल लोग जाके पढ़ लो, या अपने ही हुक्मरानों जो नेता जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी उनसे जाके पूछ लो, उनके तो वीडियो भी है। एक भी बार आज तक भारत ने कभी भी जंग किसी भी देश से शुरुआत नहीं की, कभी नहीं छेड़ी, सारी जंग आपने शुरू की और आप हारे, मुंह की खाए, आया समझ में? और नहीं, मेरी बात का विश्वास नहीं है तो ये वीडियो देखो, ये तुम्हारे ही देश के बोल रहे हैं। एक दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या आवामिल थी वो भी जरा बता दें। हमने पहल की जी, इंडिया ने पहल नहीं की, और कारगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने, मैं हिंदुस्तान की जमानत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं, 1947 की, 1965 की, 1999 की। कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जो ग्वादर वाली साइड है उस पर उन्होंने हमें अटैक किया था और वहां से वो हार के वापस गए थे, और उनके अकॉर्डिंग हम हमारे साथ उनकी 3 जंगें हुई हैं, तो 3 जंगों में पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है। तो वो उनका ये बात तो मानी है हमारे बड़े बड़े सहाफियों ने भी कि हमें हिस्ट्री में गलत बताया गया कि हम जंगे जीते हैं बल्कि हम जंगे हारे, और ये बात आर्मी चीफ ने भी एक्सेप्ट की है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम जंगे हारे हैं, तो पाकिस्तान भी तो लाहौर से आगे तक पहुंच गया था ना। अब वो कहते थे कि हम आके जो यहाँ आके चाय पियेंगे लाहौर में, तो पाकिस्तान उससे सरहद क्रॉस कर गया था। सर, जो बड़े बड़े सहाफी हैं हमारे, ठीक है, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो ये मानते हैं कि वाकई हम जंगे हारे थे। तो अब जब वो मान रहे हैं तो हमें मानने में क्या है? जो बड़े बड़े सहाफी हैं, ओपिनियन डिफरेंट होती है, फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर चीज तो मतलब तो नहीं ना फैक्ट्स बना सकते, असल में बिग पिक्चर डिफरेंट होती है। हाँ, ये ज्यादा ज्ञानी है, ये अपने देश के आर्मी चीफ ऑफिसर, वहाँ के हुक्मरानों, वहाँ के सहाफियों से बहुत ज्यादा ज्ञानी है। इन्होंने 48 की, 71 की, 65 की, 99 की जंग यही दोनों तो जाके लड़ रहे थे। शक्लें देखो इनकी, एक थप्पड़ के भी नहीं है, लेकिन बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे भारत को इन्हीं दोनों ने आके युद्ध लड़ा था। 1% का नॉलेज नहीं है, लेकिन ज्ञान देने चले आए। होते मामला कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। अब इसी वाले से इंडिया और इसराइल, इंसान इकट्ठा तब होता है जब उनके कॉमन इंटरेस्ट हो। उनके कॉमन इंटरेस्ट इस वजह से है कि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो उनके कॉमन इंटरेस्ट देख के इकट्ठे हैं। मुसलमान नहीं है, नहीं,
मुसलमान तो कितने तंग रखते हैं वो उनको इंडिया। तो फिर आपको उनके मुख्तलिफ शोबों में लीडिंग रोल प्ले करते हुए वो कैसे नजर आते हैं सर? असल में उधर एजुकेशन बेहतर है, आईटी बेहतर है, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं यहाँ बेहतर है। यहाँ जो पाकिस्तान में इस तरह के उनके सेक्टर्स पे बेहतर है उसमें अगर मुसलमान जा रहे हैं तो वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं ना? नहीं ना, पाकिस्तान कहाँ, मुस्लिम को कहाँ उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंडिया। भाई इसे सब पता है, इसे सब पता है, ये बहुत बड़ा ज्ञाता है, इसे भारत के मुसलमानों का, पाकिस्तान के मुसलमानों का, यहूदियों का सब पता है। इसने जो है विकिपीडिया खोल रखा है, 1% का ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, हवा हवाई बातें करनी है, बस कुछ भी बोल दो, मीडिया पे आए कुछ भी बोल दो। हमारे देश में कितनी, हमारे देश में कितना उनके लिए किया जाता है उतना ना आपके यहाँ किसी माइनॉरिटी के लिए नहीं किया जाता। आप ज्ञान दोगे हमें? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी पाकिस्तानी जो वहाँ के मुस्लिम से, वो मुझे आंसर दे दें। आप लोग बहुत बड़े पीसफुल कम्युनिटी कहते हो ना अपने आप को, 57 देश हैं मुस्लिम, 57 देश हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसमें से मुझे कोई 10 देश या सिर्फ 5 देश गिना दे जो रिपब्लिक हो, जो गणतंत्र हो, जिसमें पूरी डेमोक्रेसी हो, जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को पूरी व्यवस्था दी गई हो। क्यों नहीं रिपब्लिक कंट्री, वो सब उसके सब इस्लामिक स्टेट क्यों है? इसका आंसर दे दो सबके सब। और इतनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है भारत देश, उसमें 35 करोड़ की आबादी जहां मुस्लिम रहती है, अगर उन्हें दबाया जाता तो आपको क्या लगता है कोई भी देश तरक्की कर लेता? आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आप लोग तो मेजोरिटी में हो ना, आप लोग अपना बताओ। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान, हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए, वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है, और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। वो अपने यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है, और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम राजा कासिम है। मोहम्मद अशरू। मेरा नाम है अहमद रजा। मकसूद अहमद। कृष्ण कुमार पांडे। हमारा नाम हाफिज मोहम्मद अहमद है। सुन लिया आप लोगों ने, हमारे भारतीय मुसलमान ना आप लोगों से लाख गुना दर्जे बहुत बेहतर हैं। वो आप लोगों को ना तुच्छ प्राणी समझते हैं, कुछ नहीं समझते आपको। सबसे गए गुजरे मुस्लिम हो आप, जो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं वो किसी भी विश्व के किसी भी मुसलमान का भला नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बकवास करते रहते हैं। इसलिए हमारे देश के जो भी मुसलमान हैं वो आप लोगों को पसंद भी नहीं करते, एकदम बेकार दर्जे के लोग हो आप लोग। सानिया मिर्ज़ा का पता आपको? रेयर केस तो हर जगह होते हैं ना, रेयर केस तो हर जगह होते हैं। सर, उनका प्राइम मिनिस्टर तक एक सिख रह चुका है, हम इस्लामोफोबिया क्यों कहते हैं? वहाँ पर क्रिश्चियन फोबिया, सिख फोबिया क्यों नहीं है? और इस्लामोफोबिया का फैक्टर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं उठाती कि इंडिया में है? देखिए ना, जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज है वो इतने इस चीज को, जैसे ब्लास्फेमी होगी, तौहीन रिसालत होगी, इस तरह के मामलों में बहुत कम बोलते हैं। जो इस तरह की चीजें सिर्फ पाकिस्तान हो गया, यहाँ से ज्यादातर आवाज आ रही होती है हर मामले पे, किसी भी हवाले से देख लें। लेकिन असल मसला ये है कि हम खुद कमजोर हैं, तो उसी हवाले से अच्छा कोई खास पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, क्योंकि मईशत होगी, हमारी इकॉनमी होगी। पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो उनका बाहर नाम है, जाहिर असल में इंडियन बेस पे है। इंडियन बेस इतना मुस्लिम तो है ना, मुस्लिम मानने से इनकार करेंगे? नहीं नहीं, ये बात देख लें, जिस गुजरात में जो हुआ था, गुजरात का इंसिडेंट पता है आपको, जो मोदी ने हुआ था, तो मुसलमान पे काफी तशद्दुद किए थे। नहीं, वो नहीं पता। ये कब की बात करें? गुजरात की बात करें? हाँ, जब नरेंद्र मोदी वहाँ का वजीर आला था, सीएम था। आपको बताती हूँ, गुजरात की जब हम बात करते हैं ना, तो रिसेंटली बिलावल ने भी ये मुद्दा उठाया था बाहर जाकर, ठीक है? तो वहाँ के मुसलमानों ने, आपने उनका, मेरा ख्याल है आपने उनका बाद में रिप्लाई नहीं देखा था, इंडिया के मुसलमानों का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम सूफी है, ठीक है, उन्होंने आकर उसी इंसिडेंट के आकर उन्होंने तकरीबन 1 घंटा बाद अपना बयान रिकॉर्ड किया था, और बिलावल को काफी उन्होंने बुरा भला कहा था कि आप लोगों से अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। भाई आप लोगों को कैसे पता यहाँ पर, भाई आप लोगों को क्या पता कि यहाँ पर मुसलमानों का क्या हाल है? आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, ऐसा बोला था उन्होंने। असल में जो फैक्ट्स जो मीडिया दिखा रहा होता है नॉर्मली, वो इंसान अज्यूम कर रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तान के हैं, जिस तरह यहाँ दहशतगर्दी या कोई और चीज़ दिखाई जाती है, दूसरे कंट्रीज ये समझ रहे होते हैं कि सब चीज़ें ऐसी, हालांकि हम नॉर्मल यहाँ खड़े हैं, कोई रेयर इंसिडेंट हो जाता है तो फिर इस हिसाब से। अब वैसे ही इंडियंस के मामला हैं, तो वहाँ होंगे कुछ इंसिडेंट भी होते रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन हर जगह अच्छे बुरे लोग तो होते ही है ना, वो पाकिस्तान में भी होते हैं, वो इंडियन में भी होते हैं, तो ये मामला तो फिर हर जगह ही चल रहे होते हैं।
हमारे जो बड़े बड़े सहाफी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हारा, जो हमारे बड़े बड़े सहाफी हमारे बड़े बुजुर्गों से तो छोटे हैं ना, लाइक अगर आप जो हमारा बड़ा बुजुर्ग होगा वो 70s में 80s में 75 की एज में 80 की एज में, ठीक है, उन्होंने तो आंखों देखा हाल है ना उनका, जो हमारे सहाफी हैं बड़े वो जितना भी होगा तो मैक्सिमम 60 तक होगा, 55 तक होगा, 50 तक होगा, ठीक है, उन्होंने तो दूसरों से नॉलेज गेन किया ना, जो हमारा जिन लोगों का आंखों देखा हाल है, जो यहाँ और खुद जाके वो शहीद हुए। और भाई तूने कहाँ से नॉलेज गेन किया ये? तूने आंखों देखा देखा था युद्ध? तूने लड़ी थी लड़ाई? तूने भी तो बड़े बुजुर्गों का सुन लिया, बड़े बुजुर्ग कुछ भी कहानी तेरे यहाँ सुना देंगे तो तू मान लेगा। जो फैक्ट एंड फिगर से कभी देखा है, कभी कहीं पे गया, कभी किसी फोरम पे तूने देखा, कभी कोई मैगजीन पढ़ी, जिंदगी में कोई किताब पढ़ी है तूने? तेरे बड़े बुजुर्ग लोगों ने जागत भरी चीज बता दी, तूने मान ली? यही तो फर्क है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। और एक बंदा कह रहा है गुजरात में दंगे हो गए, राइट्स हो गए, तो नरेंद्र मोदी ने करा दिया, कभी उस फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश किया? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, और वहाँ के मुसलमान, वहाँ के हिंदू, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर कोई चीज हुई थी, सभी पे आक्रमण हुए, बहुत लोग मारे गए, गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर आपने बस प्रोपेगेंडा चला दिया कि मुसलमानों के खिलाफ हुआ था। माइग्रेट कर गया उनके तो दाखों देखा, जब वो कह रहे कि हमने उसमें विन किया, हमने आगे गए और वहां से पीछे आए हम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने किसका बयान सुना है, किस बड़े बुजुर्ग का बयान सुना है? मुझे नाम भी मेंशन करके बताएं। नहीं, मैं बड़े बुजुर्ग इस सेंस में कह रहा हूं कि जो बना रहे हैं। नहीं, बड़े बुजुर्ग इस सेंस में क्या, नानी इंडिया से माइग्रेटेड है। अच्छा, तो जब उन्होंने माइग्रेशन की थी तो सवाल ऐसा, हमने बातें सुनी भी है कि बड़ी मुश्किल से आए थे, अपनी सारी चीजें सेल करके ये वो, तो लोगों ने बड़ा तशद्दुद किया था। और वैसे भी जब मुसलमान वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, जाहिर है यहाँ से भी जब माइग्रेट कर रहे थे तो ये तशद्दुद तो सभी कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, उनकी इज्जत लूटना और ये सब मामलात, तो ये तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये गलत अप्रोच है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, एक हमारी अप्रोच बनाई गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया जाहिर बात है एक जो प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, या एक प्रोपेगेंडा तो नहीं है ये, लेकिन एक जो मीडिया की कंपेन होती है ना, एक तो जो वीडियो होती है वो हमारे दिमाग पे ज्यादा असर डालती है, एज बेस टू हम अगर उसे ऑडियो सुन रहे हैं, जो वीडियो चल रही है और उसके पीछे आवाज आ रही है तो हमारे जहन पे नक्श हो रही है यार ये चीज ऐसी है, हम बचपन से सुनते हैं यार इंडिया ऐसे है ऐसे ऐसे है, ठीक है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें जो कम्पीट करना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए मईशत में, कम्पीट करना चाहिए हमें दूसरे सेक्टर्स में, उसको कम्पीट करना है। इस वक्त सारी दुनिया एक दूसरे की है क्योंकि इकोनॉमी की वॉर है, ठीक है, इसमें एक चीज को टारगेट करना, भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इट्स सो रॉन्ग। कहने से कोई इस तरह फायदा हो नहीं सकता है। इंसान अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे तो जाहिर बात है चाहे दुश्मन हो, दुश्मन का काम क्या होता है, वो तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा ना। इंसान खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। असल में इंडिया का दुश्मन है दुश्मन है, इस तरह होता भी नहीं है मामला, असल में वो बिग पिक्चर डिफरेंट होती है, खुद वो इकट्ठे होते हैं जो कॉमन, जिस तरह हम कॉमन पर्सन है या कॉमन मैन है जो भी है। मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है, क्या आपको पता है? ऐसे ही है, उनके एक वो पॉलिटिशियन है असदुद्दीन, वो अवैसुद्दीन, पता नहीं असदुद्दीन अवैसी क्या नाम है, वो भी पाकिस्तान काफी अगेंस्ट बोल रहे होते हैं इस तरह के। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की आवाम की राय, इन लोगों का कुल मिला जुला के यही सब रोना गाना चलता रहता है। इन लोगों का एक तरीका है, ये लोग जिसको टारगेट करना चाहते हैं ये लोग उसका नाम लेके अपने से जोड़ देते हैं, जैसे कि ये अपना रोना जो है अब भारतीय मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे, ये बात बोलेंगे कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कश्मीर के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। असल में ये लोग सुरक्षित नहीं है, ये लोग अपने ही देश में लात खा रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे के लिए तरस रहे हैं, ये लोग अब क्या दिमाग लगाते हैं, ये लोग हमेशा से ऐसे करते हैं। और इसमें बेचारी भारत के मुसलमान जो जवाब देते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान अपना देखें, हमारे देश के मुसलमान तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इनकी हालत देख लो, लेकिन ये गाना नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।